हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? एक बार आपके अपने एग्ज़ाम ट्रैक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। ये खुशखबरी ये है कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि योगी सरकार के आपका 10 जनवरी से पहले पहले योगी सरकार नोटिफिकेशन पक्का काट देगी यूपी कॉन्स्टेबल का, और वो नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है ना। यूपी कॉन्स्टेबल का नोटिफिकेशन तो नहीं, बट अभी जो आपका टेंडर चुनने की, मतलब जो कंपनी चुनी जानी है, उसका टेंडर आ चुका है, ठीक है भाई। तो चलिए मैं आपको इसमें इसमें ये बता दिया कितनी पोस्ट आएंगी, ठीक है ना, और एज लिमिट क्राइटेरिया और सारी चीज़ बता दी गई है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते मैं आपको बताता हूँ। सो भाई ये देखिए, आज ही आया 7 जनवरी 2022। तो टोटल कितनी भर्ती हैं? 26,210 तो हैं सिविल की, ठीक है ना, सिविल वालों की है 26,210, और 172 पद हैं आपका फायर वाली के, ठीक है ना, फायर वाली के हैं 172 पद। बाकी इसमें पीएससी की बार नहीं थी, पीएससी की मैं पहले ही मना कर रहा था, मुझे पता था पीएससी की नहीं आएगी, ठीक है। तो सिविल और फायर वालों की है, ठीक है, और कुल मिला के आपको पता है। अब आगे मैं आपको इसे और आगे बता देता हूँ। एक बात और है जो योगी सरकार ने कहा है कंपनी चुनने के लिए, वो कहा है कि 27/1/2022 से पहले कंपनी कोई ना कोई चुनी जाएगी। जो कंपनी कौन सी, मतलब जो पेपर कराएगी हमारा, ठीक है ना, जिसके पास टेंडर होगा। वैसे तो भाई देखो, अभी तक जो हिस्ट्री रही है यूपी कॉन्स्टेबल या यूपी कोई भी पेपर जो कंपनी कराती है, वो NSCIT कराती है, ठीक है, NSCIT। तो अब की बार भी यही कराएगी, क्योंकि उसका एक रीज़न ये है कि सबसे कम पैसों में टेंडर लेती है, और कंपनी के मुकाबले TCS होगी, और कंपनी के मुकाबले सबसे कम पैसों में टेंडर खरीद लेती है, तो इसलिए यही कराती है, ठीक है। बाकी इसके पेपर सही भी होते हैं, मैं आपको बता भी दूँगा क्या चक्कर है इसका पेपर का क्या नहीं, पर हर बार और अब की बार मुझे 100% यही है कि यही कंपनी हमारा UPPRB का टेंडर लेगी, ठीक है। बाकी दोस्तों, इसमें तो वही टेंडर रिलेटेड बातें हैं, कुछ ऐसे इतना खास नहीं है अगर मुझे आपको कुछ बताना होता। बाकी मेन बात मुझे आपके लिए यही सबसे खुशी की बात की भाई, आपका टेंडर रिलीज़ हो चुका है। टेंडर रिलीज़ होने का मतलब सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि 27 तक तो अब ये कंपनी चुनेंगे, और करीब करीब मैं बताऊँ आपको, 27 के बाद करीब करीब ये मान लो 5 फरवरी के मिड तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और फिर ये अपना इसके एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद आपका एग्ज़ाम कराते हैं करीब करीब मई या जून में, जून के स्टार्टिंग में, ठीक है। और ये मान लो भाई आपका अगस्त सितंबर DVPST, और भाई ये मान लो पक्का 100% मैं बता दूँ, दिसंबर में आप ट्रेनिंग पे जा सकते हो, ठीक है ना, 100,000% दिसंबर में आप ट्रेनिंग पे जा सकते हो, क्योंकि ये सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग की हिस्ट्री रही है जो फंसती है। बाकी कॉन्स्टेबल की भर्ती तो धड़ाधड़ होती रहती है और धड़ाधड़ सिलेक्शन होते रहते हैं, इसमें कोई फंसने का कारण है ही नहीं, ठीक है भाई। तो दोस्तों, मुझे आपको यही बताना था इतनी बात। बाकी अगर आपको कॉन्स्टेबल की तैयारी करनी है, कुछ भी इससे रिलेटेड पूछना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या और भी यूपी की जॉब लिख लिया उनकी भी तैयारी करनी चाहिए, उनके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बाकी चैनल पर नए आए हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दियो, ठीक है ना, इस वीडियो को शेयर कर दियो, लाइक कर दियो, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, जय हिंद।